कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई जी, पूज्य श्री जीयर स्वामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव जी, भागवत विभूतियों से संपन्न सभी पूज्य संतगण, देवी और सज्जनों, आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात हमारे गुरु की मूर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रकट होता है। जो अबोध है हमें उसका बोध होता है, अप्रकट को प्रकट करने की ये प्रेरणा, सूक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प, यही भारत की परंपरा रही है। हमने हमेशा उन मूल्यों और विचारों को आकार दिया है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा दिखा सके। आज एक बार फिर जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त स्वरूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयायियों को इस सुपर अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं 108 दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं। आलवार संतों ने जिन 108 दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में भ्रमण करके किया था, कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे आज श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से यही मिल गया। मानवता के कल्याण का जो यज्ञ
उन्होंने 11वीं शताब्दी में शुरू किया था। वही संकल्प यहां 12 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठानों में दोहराया जा रहा है। पूज्य श्री जीयर स्वामी जी के स्नेह से आज विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होना का सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं इसके लिए पूज्य जीयर स्वामी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ संकल्पों और लक्ष्यों की पूर्ति का यज्ञ है। मैं इस यज्ञ के संकल्प को देश के अमृत संकल्पों की सिद्धि के लिए नतमस्तक होकर के समर्पित करता हूं। इस यज्ञ का फल मैं अपने 130 करोड़ देशवासियों के सपनों की पूर्ति के लिए अर्पित करता हूं। साथियों, दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में, अधिकांश दर्शनों में किसी विचार को या तो स्वीकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा, स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उसने विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए प्रेरणा है। रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है। साधारण दृष्टि से जो विचार परस्पर विरोधाभासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उसे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध सन्यास परंपरा के संत भी है, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो। साथियों, आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन
जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी यह है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास का दबाव, कल्पना के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया, जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव। अर्थात संसार में जाति से नहीं, गुणों से कल्याण होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, हमारी संस्कृति की विशेषता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाज के भीतर से ही लोग निकलते हैं। युगों से देखते आइए, समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्व फैलने लगते हैं, कोई न कोई महापुरुष हमारी बीच में से पैदा होता है। और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशा उनके कालखंड में शायद स्वीकृति मिली हो या न मिली हो, चुनौतियां रही हो या न रही हो, संकट झेलने पड़े हो या न पड़े हो, विरोध भी सहना पड़ा हो, लेकिन उस विचार में, उस तत्व में उतनी ताकत रहती थी, उनका कन्विक्शन इतना जबरदस्त होता था कि वो समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है, तो जिसका कभी विरोध होता है उसको स्वीकृति भी उतनी तेजी से मिलती है, सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि बुराइयों के पक्ष में, कुरीतियों के पक्ष में, अंधविश्वास के पक्ष में इन जनरल हमारे समाज में
सोशल सैंक्शन नहीं होता है। जो बुराई से लड़ते हैं, जो समाज को सुधारते हैं, हमारे यहां उन्हें ही मान और सम्मान मिलता है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग रामानुजाचार्य जी के जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित है। वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावहारिक जीवन का भी। जाति के नाम पर जिनके साथ भेदभाव होता था, रामानुजाचार्य जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकलधार, यानी लक्ष्मी जी के कुल में जन्म लेने वाला, श्रीकुल या देवीय जन। वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखकर आते थे। ऐसा करके रामानुजाचार्य जी छुआछूत की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे। यही वजह थी कि बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जैसे समानता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रशंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा से सीखो। और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो, सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने, इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। आज सरकार जो योजनाएं चला रही है, उनका बहुत बड़ा लाभ हमारे दलित पिछड़े भाई बहनों को हो रहा है। चाहे पक्के घर देना हो या फिर उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चाहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बिजली का मुफ्त कनेक्शन, चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना हो, ऐसी योजनाओं ने दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित सभी का भला किया है। बिना भेदभाव सबको सशक्त किया है। साथियों, रामानुजाचार्य जी कहते थे, उरिय गल्लुकुल वेड़ मिले, अर्थात सभी जीव समान है। वो ब्रह्म और जीव की एकता की बात ही करके रुकते थे, ऐसा नहीं थे। वो वेदांत के इस सूत्र को स्वयं भी जीते थे। उनके लिए स्वयं में और दूसरों में कोई भेद नहीं था, यहां तक कि उन्हें अपने कल्याण से ज्यादा जीव के कल्याण की चिंता थी। उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बाद
जब उन्हें ज्ञान दिया तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा, क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्याण का मंत्र था। उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, जीवन समर्पित किया था और इसलिए ये गुरु मंत्र मिला था। लेकिन रामानुजाचार्य जी की सोच अलग थी। रामानुजाचार्य जी ने कहा, पतिश्चे एक एवाहम, पतिश्चे एक एवाहम नरके गुरु पातकात्, सर्वे गच्छन्तु भवताम कृपया परमं पदम। यानी मैं अकेला नरक जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सबका कल्याण होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर के शिखर पर चढ़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया, हर नर को वो मंत्र सुनाया जो उनके गुरु ने उन्हें उनके कल्याण के लिए दिया था। समानता का ऐसा अमृत रामानुजाचार्य जी जैसा कोई महापुरुष ही निकाल सकता था, जिसने वेद वेदांत का वास्तविक दर्शन किया हो। साथियों, रामानुजाचार्य जी भारत की एकता, भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेरणा है। उनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत पर है। अन्नामाचार्य जी ने तेलुगु में उनकी प्रशंसा की है। कनकदास जी ने कन्नड़ भाषा में रामानुजाचार्य जी की महिमा गाई है। गुजरात और राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहां भी अनेक संतों के उपदेशों में रामानुजाचार्य जी के विचारों की सुगंध में महसूस होती है। और उत्तर में रामानंदीय परंपरा के गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर कबीरदास तक हर महान संत के लिए रामानुजाचार्य परम गुरु है। एक संत कैसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो देता है, रामानुजाचार्य जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं। इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में भारत की चेतना को जागृत रखा था। साथियों, ये भी एक सुखद संयोग है, श्री रामानुजाचार्य जी पर यह समारोह उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहे हैं। आज देश अपने स्वाधीनता सेनानियों को कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने इतिहास से हम अपने भविष्य के लिए प्रेरणा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। इसलिए अमृत महोत्सव का यह आयोजन आजादी की लड़ाई के साथ साथ हजारों सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं। हम जानते हैं भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई भर नहीं था। इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैश्विक मानसिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीने दो का विचार था। इसमें एक और ये नस्लीय श्रेष्ठता और भौतिकवाद का उन्माद था तो दूसरी ओर मानवता और अध्यात्म में आस्था थी। और इस लड़ाई में भारत विजयी हुआ, भारत की परंपरा विजयी हुई। भारत के स्वाधीनता संग्राम में
समानता, मानवता और अध्यात्म की वो ऊर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजाचार्य जी जैसे संतों से मिली थी। क्या हम गांधी जी के बिना अपने स्वाधीनता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं? और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्शों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं? आज भी गांधी जी का नाम आते ही वैष्णव जन तो तेने रे कहिए ये धुन हमारे अंतर मन में बजने लगती है। इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी रामानुजाचार्य जी की भक्ति परंपरा के ही महान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तरह हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा दे रही थी, वही ऊर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पों को भी मिलनी चाहिए। और आज जब मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। वैसे किशन रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य में बड़ा विस्तार से उसके लिए कहा, भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चीर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती, हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वज वाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है।
साथियों, आजादी के 75वें वर्ष में, इस अमृत काल में श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा प्रत्येक देशवासी को निरंतर प्रेरित करेगी। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमृत काल में हम उन कुरीतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिन्हें खत्म करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी ने समाज को जागृत किया था। इसी भाव के साथ पूज्य स्वामी जी का आदर पूर्वक धन्यवाद करते हुए इस पवित्र अवसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। विश्व भर में फैले हुए प्रभु रामानुजाचार्य जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, रामानुजाचार्य स्वामी जी